हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन हमारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और अभी हम आ चुके हैं अयोध्या, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं लता मंगेशकर चौक है। और आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं अभी आ चुका हूं अयोध्या में। आने के बाद सबसे पहले यहां पर ये पार्किंग है, जहां पर अगर आप 4-व्हीलर से आते हैं तो 100 रुपए आपको पार्किंग देना पड़ता है। सूर्य द्वार के पास में ही यहां पर पार्किंग में गाड़ी खड़ी हो जाएगी, और अब हम यहाँ से चलेंगे पैदल ट्रैक करके। लता मंगेशकर चौक से हम जस्ट निकल रहे हैं नहाने के लिए राम की घाट पर, राम की पैड़ी पर। जैसा कि आप हर बार जानते हैं मेरे वीडियो में, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरी वीडियो में हमेशा देखते हैं कि लता मंगेशकर चौक से मैं सीधा नहाने के लिए जाता हूं। तो ये वाला गेट है जो आपको लता मंगेशकर चौक से इसके अंदर इंटर करना है, और जैसे ही आप इंटर करते हो कुछ इस तरह से अयोध्या सुंदर सी साफ सी नज़र आती है। और यहाँ पर जो भी घाट है आप देख सकते हो, पूरे घाट पर राम की पैड़ी पर लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ चलकर हम भी अपने स्नान करने के लिए कहीं जगह देखते हैं कि खाली कहाँ पर है, नहाने के लिए भी जगह नहीं बच रही है। और ये है राम घाट का नज़ारा सुबह सुबह का। आप मेरी घड़ी में देख सकते हैं सुबह का 6 बज रहे हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े बदल रहा है, कोई स्नान कर रहा है। यहाँ पर तरह तरह के प्रभु श्री राम के भक्त हैं और तरह तरह की एक्टिविटी में लगे हुए हैं। सबका यही ख्याल है कि कितनी जल्दी यहाँ पर स्नान कर लें, और स्नान करने के बाद कितनी जल्दी दर्शन करने के लिए हम राम मंदिर में चले जाएँ। फाइनली राम की पैड़ी पर हमने स्नान कर लिया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये भैया देख लो, ये यहाँ पे साबुन सर्फ से कपड़ा धो रहे हैं। बताओ, ऐसे ऐसे तो लोग हैं कि यहाँ पर चड्डी भी धुल लेते हैं, कपड़े भी धुल लेते हैं। तो वो है लता मंगेशकर चौक, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, और प्रभु श्री राम की जो जन्मभूमि है वो यहाँ से 1.8 किलोमीटर है। और इस सफ़र को हमें पैदल ही आज पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्राउड मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। लता मंगेशकर चौक से जो आपको 1.8 किलोमीटर चलना है, रास्ते में आप बोरियत नहीं फील करेंगे। आपके आसपास बहुत सारे छोटे मोटे दुकान दिख जाएंगे, रास्ते में बहुत भीड़ दिख जाएगी, तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप पैदल चल रहे हैं, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साधन देखने को मिल जाएंगे। नहीं जी, हनुमानगढ़ी में जस्ट मंदिर में जाने से पहले यहीं पीछे काउंटर पर 140 रुपये का एक पाव लड्डू मिलता है, तो आप ले सकते हैं और यहां पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। थोड़ी सी भीड़ है तो मैं वापस आकर दर्शन करता हूं। पहले मैं दर्शन करने के लिए जाता हूं प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए, उसके बाद मैं वापस आऊंगा, फिर हनुमान जी का दर्शन करूंगा। चलो भाई, एग्जिट कर दो, एग्जिट। हनुमानगढ़ी से मैं आ चुका हूँ अमावा राम मंदिर। यहाँ पर बाल स्वरूप प्रभु श्री राम का मूर्ति रखा हुआ है, और आपको एक बार दिखा देते हैं प्रूफ के साथ। ये है अमावा राम मंदिर, और यहीं पर रखा हुआ बाल स्वरूप प्रभु श्री राम की मूर्ति। ठीक है, हम इसके अंदर आ गए। ये है अमावा राम मंदिर, जहाँ पर आपको दिन में 11 बजे से लेकर 3 बजे तक यहीं पर आपको फ्री में खाना खाने को मिलता है।
ये वाला जो शॉर्टकट रास्ता किसी को पता नहीं है, तो आप किसी को बताना मत, ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए है कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो ये सिर्फ मैं आपको बताया हूँ कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर आने के बाद ये है निशुल्क लॉकर सेवा, तो आप अपने जो भी आपके बैग हैं, आपके फ़ोन हैं, मोबाइल फ़ोन, सब कुछ यहीं पर जमा हो जाते हैं। ये फ्री है, आपको यहाँ पर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और जिस लोगों को नहीं पता कि यहाँ पर कैसे आएँ, वो देखो कैसे घूम के जा रहे हैं ऐसे घूम के वो चले जाएँगे। ये जो लाइन आ रही है ये सुगम पास वालों के लिए ही है। देखो यहाँ से जो नॉर्मल लोग जा रहे हैं लाइन लगा के, यहाँ से जाते हैं और सुगम पास वाले इधर से जाते हैं। दोस्तों, सुगम दर्शन पास आपको ऑनलाइन माध्यम से मिलता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है, और इस पास को लेने के बाद आपको यहां पर बिल्कुल भी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिन लोगों को पास के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो यहां पर आप आके नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं, और नॉर्मल दर्शन में आपका आधे घंटे से लेकर एक घंटे का समय लगता है। मंदिर में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना बिल्कुल मना है। अरे फोन नहीं जमा करूंगा मैं। फाइनली हमारा राम मंदिर में दर्शन हो गया है। हम मोबाइल लेके गए थे अंदर और सारा कुछ शूट करके लेके आए हैं। मैं वीडियो में मैं अपना सारा कुछ ऐड कर दूंगा, आप देख लेना। लेकिन वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि मैं मोबाइल कैसे लेके गया था। तो अंदर प्रसाद और साथ नहीं चढ़ता है, तो आप प्रसाद वगैरह मत लेके जाना। हमारा अच्छे से दर्शन हो गया है, अब हम चलते हैं कहीं। अब की बार चार सौ पार। प्रभु श्री राम का दर्शन करने के बाद अब हनुमानगढ़ी में हम हनुमान जी का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये है भैया की दुकान, यहाँ पर लड्डू मिलता है 120 रुपए का पाव ना भाई, 120 रुपए का पाव देते हैं। तो भैया आज ऑनलाइन नहीं रखे हैं, हर बार इनके यहाँ ऑनलाइन होता था तो मजबूरी में पैसा था नहीं तो 50 रुपए का लेना पड़ा भाई, ऑनलाइन ले नहीं रहे हैं। आ जाओ, आओ गुरु जी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। इसके बाद एक टीवी यहाँ पर भी लगा दी गई है। हेलो हेलो भैया। तो
फाइनली दर्शन हो गया है। तो ये है हनुमानगढ़ी का मंदिर और हमारा जो यहाँ पे दर्शन है वो 5 मिनट के अंदर हो गया है। आज कोई भीड़ नहीं थी, दोपहर का समय हो रखा है, अच्छे से दर्शन हुआ है, आपने भी वीडियो में देखा होगा। और यहाँ पर ये भैरव जी का टेम्पल है और आप यहाँ पे सामने से इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। तो अगर आप हनुमान चालीसा यहाँ पर बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। यहाँ भी देख लो, ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं। और ये ऐसे दिखता है हनुमान जी का मंदिर। तो हनुमानगढ़ी में मेरा दर्शन हो चुका है और जिन्होंने यहाँ तक आकर पूरी वीडियो को देखा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आंटी 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 आंटी।